हमने एक गेम बनाई है एलसीएम फाइंड करने के लिए. जैसे हमारे पास तीन नंबर हैं 6, 8 और 12. हमने इनकी तीन की अलग अलग कलर की और अलग अलग लेंथ की तीन स्ट्रिप्स ले ली. अब हमने क्या करना है, इनको सेम लेंथ का करना है. जैसे पहले ये बड़ा है, ये उससे छोटा है, ये सबसे छोटा है, तो हमने ऐसी एक स्ट्रिप और ली ताकि ये इनके साइज़ का हो जाए. अब भी इनमें डिफरेंस है. फिर हमने 8 नंबर की और स्ट्रिप ले ली. अब हम देख रहे हैं कि अभी भी इनके साइज़ में फ़र्क है. फिर हमने 12 नंबर वाली एक और स्ट्रिप ले ली. अब ये बहुत बड़ी हो चुकी है और नीचे वाली बहुत कम रह गई है, तो हमने इसको नीचे वाली से कंप्लीट करने की कोशिश की है. फिर हमने देखा कि बीच वाली भी अभी कम है, तो हमने बीच वाली में एक स्ट्रिप और लगा दी. अभी हमारे पास सिर्फ है दो इक्वल हो गई, बट तीसरे नंबर वाली अभी कम है, उसकी लेंथ छोटी अभी, तो हमने एक और 6 नंबर की स्ट्रिप ले ली. अब हम देख रहे हैं कि तीनों हमारे जो स्ट्रिप्स हैं हॉरिजॉन्टली जो हमने रखी हैं वो बिल्कुल सेम लेंथ की हो गई हैं. अब हम किसी भी स्ट्रिप का टोटल कर लें तो हमारा एलसीएम आ जाएगा. जैसे 12 + 12 = 24, 8 + 8 + 8 = 24, 6 + 6 + 6 + 6 = 24. इसका मतलब हमारा 6, 8 और 12 का जो एलसीएम है वो 24.